लंबे काले घने बाल किसे भला अच्छे नहीं लगते। हर महिला की ये पहली चाहत होती है कि उसके जो बाल हैं वो एकदम से सिल्की शाइन और लंबे एंड घने हों, और बढ़ती उम्र के साथ साथ उनके जो हेयर हैं वो सफ़ेद होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर आप इसका जो है कंटिन्यू देखभाल करते हैं अपने बालों की शुरू से ही, तो आपके जो बाल हैं वो बेशक से सफ़ेद हो जाएं बट वो हेल्दी ज़रूर से रहते हैं। अगर आज के इस वीडियो में जो मैं आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसे कंटिन्यू लगाना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप टीनएजर्स हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। अभी से इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके कम उम्र में बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं, क्योंकि आजकल हमारा जो खाना पीना है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसके कारण आपने देखा ही होगा छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों के बाल एकदम से सफ़ेद हो गए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उनका जो लुक है, हमारे ही जो हेयर्स होते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होते हैं। अगर ये सफ़ेद हो जाएंगे तो फिर आपको कलर एंड डाई का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कम उम्र में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आज से ही आप इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट कर दें, तो रिजल्ट्स आपको बहुत ही खूब मिलते हैं। फिर आप बच जाएंगे, आपके जो है बुढ़ापे में ही बाल सफ़ेद होंगे, उम्र से पहले बिल्कुल से नहीं। दावा है मेरा, इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और बाल आपके इतने लंबे घने प्यारे हो जाएंगे क्या ही बोलना। तो चलिए फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके लिए ये रेमेडी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है, अगर आपके पास दही है पड़ा हुआ घर में, वैसे अक्सर हमारे घर में ये कॉमन इंग्रेडिएंट है, होता ही है दही, तो आपको जो है 4 बड़े चम्मच दही के एक बाउल के अंदर ऐड कर लेने हैं। आपको इस रेमेडी को बनाने में कंजूसी बिल्कुल से नहीं करनी है। बच जाती है तो आपके घर में और कोई है उसके भी आप इसे लगा दें, कोई हार्मफुल ये रेमेडी बिल्कुल से नहीं होगी। दही के 4 चम्मच डाल लीजिए। दही हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारे जो है दादी नानी थे वो तो इन्हीं से बाल धोते थे, मतलब दही और लस्सी का बहुत ही ज़्यादा वो यूज़ करते थे। तो आपने देखा ही होगा कि पहले के जो लोग थे उनके बालों को कोई बीमारी नहीं लगती थी, उनके बाल एकदम से हेल्दी रहते थे और घुटनों तक उनके बाल लंबे होते थे। तो इसका यही राज था कि वो अपने जो है बालों को धोने के लिए दही का इस्तेमाल करते थे, लस्सी का इस्तेमाल करते थे। तो आपको जो है दही ले लेना है, और उसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है गुड़हल के फूलों का जो है पाउडर। ये अगर आपके घर में गुड़हल के फूल हैं तो आप उनको जो है सुखा लीजिए धूप में, और मिक्सर ग्राइंडर में आप उसका पाउडर बना लीजिए। नहीं तो ये इजीली ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है और आपके लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में ही बना लिया करें ऐसी चीज़ों को आप। तो अब आपने जो ये फूल है उनको आपको उनका पाउडर ले लेना है, और बड़े 2 चम्मच आप ऐड कर दीजिए अपने दही के अंदर। और फिर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है, वो है ग्लिसरीन। तो इसका जो है आप बड़ा 2 स्पून ऐड करेंगे, जितना आपने दही लिया है उस हिसाब से ही आप ले लीजिए। और फिर आप जो है इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट हनी ऐड करेंगे। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं ये हेयर्स के लिए बहुत ही गुड होते हैं। ये आपके एक बार ही जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, आपको कंडीशनर की, किसी शैम्पू की भी बन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपके बाल एकदम से वॉश हो जाएंगे, और इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप शैम्पू यूज़ कीजिए, कंडीशनर बिल्कुल से यूज़ ना करें। और आपके हेयर्स 1 हफ्ते तक इतने ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे एक बार के इस्तेमाल से ही, कि आपकी हेयर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगी। हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके सफ़ेद बाल हैं वो अगर कम उम्र में सफ़ेद हो रहे थे तो वो वहीं पे रुक जाएंगे और अगेन नहीं होंगे, और साथ ही आपके बाल एकदम से सिल्की शाइन
हो जाएंगे, एकदम से आपके हेयर्स ऐसे लगेगा कि जैसे कि आपने बहुत ही अपने हेयर्स को कोई ट्रीटमेंट पार्लर में जाके करवाया है, ऐसे आपके बाल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, मेरा वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नए अपलोड के साथ, फिर किसी वक्त, फिर किसी समय। तब तक आप कीजिए अपना बहुत ज़्यादा केयर। बाय बाय, टेक केयर माय लवली व्यूअर्स।